हेलो फ्रेंड्स, माया के फैमिली ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मूवी देखने और वो है 1983। वैसे ये मूवी बहुत पहले रिलीज हो चुकी है। अभी यहाँ हमारे जो आर्मी के थिएटर्स हैं यहाँ पे मूवी दोबारा लगी है, तो मैं पहले देख नहीं पाई थी, तो मैं आज देखने गई। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे वर्ल्ड कप के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, बट चलो मूवी के बहाने थोड़ा कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसी है ये मूवी और फिर आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके, चलिए चलते हैं थिएटर के अंदर। क्या करने आया हो सार्थक आप आज? मैं आया हूँ मूवी देखने। मूवी देखने? चिप्स हैं इसमें? अरे वाह। और डुगू, आप क्या करने आए हो? मैं भी मूवी देखने। कौन सी मूवी? 1983 ना? अरे नहीं नहीं, फोन नहीं दिखाना, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, फोन नहीं दिखाना। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं थिएटर में, अंदर दरवाजा खुल चुका है। ये डुगू क्या कर रहे हो? डुगू टिकट ले रही है। लेट्स सी, ये रही टिकट। आज पापा ने डुगू को टिकट लेने के लिए क्यों कहा? मास्क नीचे करो जरा। क्यों कहा पापा ने यार टिकट लेने के लिए? अच्छा, क्या हुआ? आपकी टिकट्स कहाँ हैं? बिना टिकट के जाओगे? अच्छा, चलो चलते हैं। हाँ, ये चिप्स भर के लाए हैं कैप में। स्टार्ट हो गया है। हमारी सीट कहाँ है? हमारी सीट कौन सी है भाई? कैसा हो जा रही मम्मी? ये ऐसे होती है ना, आगे पीछे होती है। डुगू से हो नहीं रही ये। डुगू जोर लगा, जोर लगा। नहीं हो रही। और सार्थक अरे 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 सार्थक को देखो कैसे रोला मचा रखा है थिएटर में। क्या करे, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी। डुगू, आपने बताया नहीं आपको मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। That was very good, no? I like it very much. You liked it very much. Yeah. मुझे भी बहुत अच्छी लगी मूवी। तो मूवी ऑसम थी। 5 स्टार 10 स्टार 15 स्टार इतने भी स्टार्स देने हैं सब दे दो भाई। मुझे तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी और एक एक अजीब सी फीलिंग थी। मतलब मैंने 1983 नहीं, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, तो इसीलिए मैं उसको देखना चाहती थी। सच में यार, क्या फीलिंग है। एक त्यौहार है, एक त्यौहार बन गया था उस वक्त। 19 वर्ल्ड कप हमारे लिए पहली बार जीतना, और क्या एक्टिंग की है रणवीर सिंह ने, ओ माय गॉड। और रियल में जो हमारे कपिल देव जी हैं ना, सच में हैट्स ऑफ। उन्होंने कितना अच्छे से मोटिवेट किया हमारी टीम को। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए मूवी का। अरे अरे, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? अरे पेंट किए हैं इनको, अभी लगाना है, अरेंज करना है भाई। ओहो, सार्थक क्या कर रहे हो? हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है चाय और लड्डू का। ये लड्डू हमने घर पे ही बनाए हैं, सर्दियों में हम हमेशा बनाते हैं। तो और ठंड हो गई थी, अभी हम 5 बजे वहाँ से निकले थे मूवी देखकर, तो एकदम भाग लिए घर की तरफ और मैं कोई रिव्यू भी नहीं दे पाई। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं कोई मूवी के रिव्यूज़ नहीं करती फ्रेंड्स, जैसा भी मुझे लगा मूवी देखकर मैं वही आपसे शेयर करती हूँ, मतलब कर रही हूँ। तो चाय और लड्डू, अमेजिंग। वर्ल्ड बेस्ट। रणवीर सिंह ने जो एक्टिंग की है ना कपिल देव जी की,
ओ माय गॉड, मतलब कैसे जब वो बीच में उनके सीन्स दिखा रहे थे ना, रियल सीन्स, रियल एक्चुअल कपिल देव जी दिखा रहे थे, जब बीच बीच में कपिल देव जी के सीन दिखा रहे थे ना, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था भाई। और ऐसे लग रहा था क्या सच में कपिल देव जी ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते थे, मतलब उन्होंने टीम को ऐसे मोटिवेट किया। और कपिल मतलब रणवीर सिंह ने बहुत अच्छे से उनको इमिटेट किया, बहुत मेहनत करी है। अरे आप ये क्या कर रहे हो? आप खेल रहे हो? अरे सार्थक क्या कर रहा है, व्लॉग्स बना रहा है सार्थक? मम्मी मम्मी अभी मत करो। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया सार्थक, क्या हुआ? ऊपर देखो। अरे क्या हो गया, बात डाटा किसी ने? डाटा किसने डाटा? पापा ने। क्या बात हो गई थी? डांटने लग गए हैं। अरे आपने बताया नहीं कानू, आपको मूवी कैसी लगी? अच्छी। मजा आया ना? क्या क्या था मूवी में? भूत की कहानी। अरे वो भूत की कहानी थोड़ी थी, अरे नहीं बाबा वो तो बैट बॉल की थी ना, वो तो क्रिकेट की थी, वो तो क्रिकेट की मूवी थी ना कानू, उसमें बैट बॉल खेल रहे थे ना। मम्मी मैं बात सुनो। हाँ। मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? मस्ती खोरी चल रही है। अरे 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 तो दोस्तों आज मैंने डिनर में बनाया है ये काली दाल कहते हैं हम इसको, और ये है बाजरे की रोटी। ये देखिए मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है और सर्दियों में हम इसे ज़्यादातर बनाते हैं। साथ में है प्याज और हरी मिर्च, तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना खाना। तो अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, आप भी अपना डिनर इन्जॉय कीजिए, मैं भी कर लेती हूँ, बाय।